गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, 5 एम्स सहित करोड़ों की सौगात। गुजरात को पीएम मोदी का तोहफा, 52,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। द्वारका में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित, डूबी द्वारका के दर्शन को बताया अद्भुत। सुदर्शन सेतु को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इस सेतु के लिए भी भगवान ने मुझे चुना, सालों से कांग्रेस की सरकार कर रही थी नजरअंदाज। पीएम मोदी ने द्वारका के सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद, द्वारका के मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी मदद। द्वारका में सुदर्शन सेतु पर पैदल चले प्रधानमंत्री मोदी, लोगों का किया अभिवादन। देश का सबसे लंबा केबल सिग्नेचर ब्रिज है सुदर्शन सेतु, 980 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। सुदर्शन सेतु पर लगाए गए हैं सोलर पैनल, करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है ब्रिज। सुदर्शन सेतु का वीडियो आया सामने, समुद्र में नावों के बीच मनमोहक दिखा ब्रिज। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला दिवस का किया जिक्र, कहा 8 मार्च को देश महिला दिवस मनाएगा, महिला दिवस नारी शक्ति को नमन। पीएम मोदी ने महिलाओं को दी नमो ड्रोन दीदी के बारे में जानकारी, कहा देश भर में नमो ड्रोन दीदी की है चर्चा। पीएम ने जल जीवन मिशन में पानी समितियों की भूमिका को सराहा, कहा जल जीवन मिशन में तेजी से हो रहा है काम। इस साल डिजिटल इनोवेशन होगी विश्व वन्य दिवस की थीम, प्रधानमंत्री ने दी जानकारी, कहा एआई तकनीक से हो रहा वन्य जीव का संरक्षण। फर्स्ट टाइम वोटर्स से प्रधानमंत्री मोदी ने की अपील, कहा पहली बार देश के नाम वोट करें। अगले 3 महीने तक मन की बात कार्यक्रम नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कहा मार्च में शायद आचार संहिता लग जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, सीएम मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया स्वागत। अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे पर कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा हर 10 साल बाद बदली है दिल्ली की सत्ता, एनडीए को टक्कर देगा इंडिया गठबंधन। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, 14 हारी हुई सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। बीजेपी ने हारी हुई 14 सीटों पर तय किए प्रत्याशियों के नाम, जल्द किए जा सकते हैं घोषित। चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, बीएसपी सांसद रितेश पांडे बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी पूरे देश में निकालेगी प्रचार रथ यात्रा, कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा तेजस्वी के डीएनए में है भ्रष्टाचार। मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्टाचारियों की पार्टी, कहा जल बोर्ड में हुआ घोटाला, जल्द जेल जाएंगे केजरीवाल। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन का आज 13वां दिन, आज भी शंभू बॉर्डर पर डटे हैं हजारों किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का डब्ल्यूटीओ सम्मेलन, देश भर के किसानों को किया जाएगा जागरूक। 12 दिनों बाद खोले गए सिंघू और टीकरी बॉर्डर, लोगों को जाम से मिली राहत, पुलिस के जवान तैनात। किसान आंदोलन पर प्रमोद तिवारी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने झूठ की गारंटी दी। लखनऊ के लोक भवन में सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र, युवाओं को दी बधाई। News.